जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म शुरू 2024 के लिए ऑफिशियल लेटर जारी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डीएड अभ्यर्थी ही केवल फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। इसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या जो पहले से पात्रता पास है उन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। दूसरी, किन किन शहरों में होगी उनको भी मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। एग्ज़ाम कब होगी, सारी अपडेट आपको एक वीडियो में जो जो आपके डाउट बन सकते हैं सभी आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहले मैं ऑफिशियल, देखो यहाँ से क्या बोला है, यहाँ सीधा बोला है ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो वो 20 अक्टूबर तक आपकी सुधार हो जाएंगी, ठीक है। 5 दिन दिया इन्होंने सुधार के लिए। आगे देखो, यहाँ 10 नवंबर से आपकी परीक्षा है, प्रथम पाली है 7:30 से 8 बजे आपको वहाँ उपस्थित होना है और 9 से 11:30 तक आपकी एग्ज़ाम, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसी तरीके से दूसरी पाली का सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि, और ये देखो यहाँ एक अच्छा किया है इन्होंने, बोला है कि जो प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, और ये अगर आपने पास कर लिया है तो आपको फिर दोबारा इस वाले में फॉर्म नहीं भरना होगा। इन्होंने कहा है कि जो 2020 में जो अभ्यर्थी ने पास की है उनको इसमें फॉर्म नहीं भरना है। तो जो पहले से, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो पहले से पात्रता परीक्षा पास थे उनको दोबारा फॉर्म भरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधा बोला गया है। तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा कह रहा है कि बालाघाट होगी, भोपाल होगी, ग्वालियर होगी, इंदौर होगी, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। अगर देखा जाए तो जो चंबल संभाग में जो पास में केवल ग्वालियर में अकेली होगी, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए इन्होंने ये साइट वगैरह दी है। जनरल अनारक्षित के लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, बाकी के केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, ये सभी दिव्यांग जन के लिए है 250 रुपये फीस, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, यहाँ बोला है कि भैया आधार कार्ड आपका अनिवार्य है, आधार कार्ड के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ आधार कार्ड आपका लॉक नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, आधार कार्ड आपका लॉक ना हो। ये इन्होंने इतना ऑनलाइन के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। तो देखिए, और मैं आपको बता दूं, जो आपके 10 नवंबर से परीक्षा होगी 2020 में पास अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी है। बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन। ESB ने जारी किया प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा कार्यक्रम। तो देखिए, जो आपके लिए जो आपको जानना था, और कुछ भी अगर आपको जानना है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, मैं आपको बता दिया विस्तार से। कई लोगों का कमेंट आ रहा था, सर इसको समझा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। थैंक यू।